उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कुरैशी समुदाय के समक्ष पैदा हुई बेरोजगारी को दूर करने के लिए स्लाटर हाउस की वैकल्पिक अस्थायी व्यवस्था कराए जाने के संबंध में शहर इमाम के नेतृत्व में ऑल इंडिया कुरैशी वेलफेयर फाउंडेशन ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर स्लाटर हाउस की समस्या को जल्द सुलझाने को लेकर मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से ऑल इंडिया कुरैशी वेलफेयर फाउंडेशन के बैनर तले कुरैशी समुदाय के लोगों ने कहा कि मुरादाबाद में लगभग 1.5 लाख की कुरैशी समुदाय की आबादी है, जिसमें ज़्यादातर लोग मांस के व्यापार से जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ लोग मांस का निर्यात विदेशों में करते हैं, जबकि कुछ लोग फुटकर विक्रेता हैं जो कि दुकानों पर मांस बेचकर शहर में मांस की आपूर्ति कर रहे हैं। विदित हो, जनपद मुरादाबाद में शहर के बीचों बीच असालतपुरा में जो स्लाटर हाउस था वो नगर निगम ने ये कहकर बंद करवा दिया कि जल्द ही आपको मॉडल स्लाटर हाउस बनाकर दिया जाएगा, लेकिन आज तक आश्वासन के बावजूद भी नगर निगम द्वारा स्लाटर हाउस का निर्माण नहीं कराया गया। किस संबंध में आना हुआ है, क्या मामला है? कप्तान साहब से मैं समस्या कुरैशी हाउस की समस्या लेकर आया था, क्योंकि आधार पर स्लाटर हाउस तो बंद है। इन लोगों को ये परेशानी है, जो लिखा आपने एप्लीकेशन में दरख्वास्त में, इन्हें संपर्क से फैक्ट्री को जाना पड़ता है, मीट लाना पड़ता है, उसमें इन्हें महंगाई पड़ता है और बहुत दुश्वारियाँ होती हैं। तो इन्होंने कप्तान साहब से ये अनुरोध किया है, दरख्वास्त दिया है कि हमें आर्जी तौर पर कोई जगह हमारे जो हम घेर हैं या अलग हैं चल में उसके अपने जानवर काट के और मतलब इसलिए काम दुकानों कर लिया करें और सफाई का तो ख्याल रखें, सफाई रखें, क्योंकि इनके रोटी रोटी का मसला है, बच्चों की तालीम नहीं हो रही, बच्चे पूरे नहीं हो रहे, तो लिहाजा उसमें परेशानी। तो कप्तान साहब से इस बात का आगे दरख्वास्त किए ताकि उस पर इनका कोई मदद कर सकें। कितने समय से परेशान हैं ये लोग? ये कई साल हो गए। क्या वजह रही जो अभी तक इसका समाधान नहीं निकला इनकी? भाई ये असल में मिले थे, विकास से मिले थे, तो उन्होंने कहा ये विकास मंत्री जी करेंगे, विकास मंत्री नगर निगम को आदेश करेंगे, वो नया सड़क बनाएगा, बल्कि हाई इनको पास कागजात ने हाईकोर्ट के आदेश दिए हैं कि सड़क बनाया जाए। क्या आश्वासन दिया गया आपको? भाई ये क्या है, क्या नाम है, मैं जाएगी जो मेरे स्तर से हो सकता होगा मैं करूँगा। मतलब मंदिर से पहले भी आप मिले थे तो क्या रहा? तो वो भाई बात वही है, जेम साहब से मिले थे तो उन्होंने यही कहा था कि विकास मंत्री का मामला है, इसे आपके वहाँ पर अप्रोच करें और आप पूरी दरख्वास्त दें, मैं भी कहना भेज दूँगा वहाँ पर, ये विकास मंत्री जी अपने नगर निगम का आदेश करें तब बनेगा।